साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखे, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज रूबी सिटी स्कैन के ऊपर मोची कॉर्नर। मालेगांव शहर में मालेगांव नदी के इस पार के साथ मुसलसल नाइंसाफी की जा रही है और ये हम बार बार बोलते आए हैं कि सालों से 25 साल से मालेगांव शहर के इस हिस्से के साथ एक तरह की फिरका परस्ती की जा रही है और आज हालत ऐसी हो गई है कि मामूली बुनियादी सहूलियात के लिए भी ख़ास तौर से ख्वातीन को नदी के उस पार जाना पड़ता है। आप अगर देखेंगे लाडली बहन की स्कीम आई मालेगांव शहर में, सबसे ज़्यादा उस स्कीम से अगर किसी ने फ़ायदा उठाया तो वो समाजवादी पार्टी ऑफिस से, मगर गरीब लोग का अकाउंट मुसलसल चलता नहीं है तो बहुत से लोगों का पैसा आ जाने के बाद जब KYC का सवाल आया तो बैंकों में ख्वातीन की लंबी लाइन लगी रही, रिक्शे से लोगों को नदी के उस पार जाना पड़ा। हद ये हो गई कि एक बैंक जो बड़ौदा बैंक के नाम से इस हिस्से में बची थी वो भी नदी के उस पार चली गई। ऐसी कई मिसालें हैं RTO ऑफिस से ले कर जो बुनियादी सहूलियात थी वो सब उस हिस्से में जाती रही और हमारे दोनों लीडरान माजी MLA और आज के मौजूदा MLA, ये सिर्फ दादा भुसे की चमचागिरी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, सिर्फ चमचागिरी कर रहे हैं और मालेगांव शहरियान का ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। उसी की आज एक कड़ी थी ख्वातीन और बच्चों का हॉस्पिटल। 13 सितंबर 2021 को उप आयुक्त मालेगांव महानगर पालिका का लेटर जो था वो कार्यकारी अभियंता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान उप संचालक आरोग्य सेवा नासिक मंडल नासिक को था कि ये हॉस्पिटल की मंजूरी जो है वो मंजूरी गट नंबर 52O2 हाँ मालेगांव महानगर पालिका हद्दी तिल इस्लामपुरा वार्डा तिल असून मालेगांव महानगर पालिका पालिकेश लागू मंजूर विकास योजना दूसरी सुधारित छिया प्रस्ताव अनुसार सदरचा गट नंबर सिविल हॉस्पिटल करीता डिजाइनेटेड आहे। यानी ये हॉस्पिटल की मंजूरी यहाँ 2021 में उप आयुक्त ने बोला कि यहाँ की गई थी, मगर चालाकी से बोलूँ या हठधर्मी से उसे भी नदी के उस पार लेकर चले गए। आज उसका इफ्तिताह हुआ, अच्छी बात है। हम ये नहीं बोलते कि वो हिस्से में काम हो रहा है तो ये कोई बुरी बात है, मगर हमारा हक मार कर जो हमारे लिए है उसको उस हिस्से में करना, ये बहरहाल मालेगांव शहरियान के साथ नाइंसाफ़ी है। मुझे लगता है कि यहाँ के लीडर जो दोनों हैं उनको ये लगता है कि दादा भुसे जो है वही उनको इलेक्शन जिताएंगा, मालेगांव सेंट्रल की आवाम से उनको कोई लेना देना नहीं बचा। ये सडाना हॉस्पिटल की भी अपनी एक तारीख है, ये सडाना हॉस्पिटल अपने वक्त में महानगर पालिका का था, साजना मैडम सदर बल्दिया थी, निहाल साहब जो है उस वक्त MLA थे 96 में, तो निहाल साहब ने उसको वापस बंद हो गया था तो शुरू किए वहाँ डॉक्टर भंडारी डॉक्टर नवल राय साह ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देकर उस हॉस्पिटल को शुरू किया गया, मगर उस वक्त माजी MLA अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे शेख रशीद साहब ने उस वक्त उस हॉस्पिटल को सरकार को दे दिया और जिस वक्त उस हॉस्पिटल का इफ्तिताह हो रहा था अजीज मुकादम अभी भी हयात हैं, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि फिरका परस्तों ने जो बोर्ड वहाँ मुस्लिम लीडरान का वो हॉस्पिटल बना था और जो बोर्ड लगाया गया था उसे लात से तोड़ा गया था उस वक्त जब वो सटाना हॉस्पिटल सरकार को दिया गया। तो ये जो हमारे पुराने मुस्लिम लीडरान थे उनकी तारीख मिटाई जा रही है। आप देखेंगे सुशोभीकरण के नाम से करोड़ों का फंड कॉरपोरेशन से पास कराने के बाद वो गांधी पुतला हो या कुछ भी हो, कोई भी नया अगर कोई सुशोभीकरण होता है तो पुराना नाम भी जिंदा रखा जाता है। आज अगर ब्रिज का काम हो रहा है तो ये कोई नया ब्रिज नहीं बन रहा है, ये पुराना ब्रिज ही बना है। आज भी अगर आप वहाँ जाएंगे जो ब्रिज अभी टूटा नहीं है वहाँ सारे मुस्लिम
लोग जो उस वक्त उसमें कोशिश किए उनकी आज भी उनका बोर्ड लगा हुआ है, मगर उसे भी तोड़ दिया जाएगा। और बड़ी चालाकी से हर जगह मंत्री साहब अपना नाम चिपका दे रहे हैं, वो गांधी का मुजस्समा हो, शिवाजी महाराज का मुजस्समा हो, या दूसरे जो सुशोभीकरण हो, बड़ी चालाकी से ये काम किया जा रहा है। और हमारे जो आबा और अजदाद थे जिन्होंने इस शहर को बनाने के वक्त ये फ़र्क नहीं किया कि नदी का वो पार हो और नदी का ये पार हो, उस वक्त अगर कॉरपोरेशन की हद्दी में जो हिस्से थे उसको तरक्की के नाम पे बराबर से मौका दिया गया, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि नदी के उस पार को मौका नहीं दिया जाए। इसीलिए आप देखेंगे आज भी नदी के उस पार अगर कहीं काम पुराना बोर्ड मिलेगा तो वहाँ मुस्लिम लीडरान के नाम मिलेंगे, मगर बड़ी चालाकी से ये सब काम किया जा रहा है। और ये मिली भगत इन दोनों लीडरान की है। दाबाड़ी को पानी देने का सवाल हो, वो दाबाड़ी ग्राम पंचायत हमारी महानगर पालिका में नहीं थी, हमारे खुद की मिल्कियत का सडाना हॉस्पिटल अपने वक्त में आसिफ शेख साहब के ही खानदान के लोगों ने उनको दे दिया। और जब मुफ्ती साहब की बात आई तो उन्होंने भी अपने सेंट्रल का जो काम था उसको सेंट्रल में मंजूरी मिलने के बाद उसको रोका नहीं गया, और उन्होंने उस वक्त एक बयान दिया था कि इसके ख़िलाफ़ मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, मगर वो बयान देने के बाद भी वो दादा भुसे से कौन सी तोड़ी किए कि हॉस्पिटल का आज इफ्तिता हो गया, हाईकोर्ट जाने दो, एक लेटर भी वो आज तक दिया है ऐसी मेरी कोई मालूमात नहीं है। तो ये सिर्फ इस शहर की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारे साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी की जा रही है। हम छोटी छोटी बुनियादी सहूलियात के लिए आज तरस रहे हैं, तरक्की के नाम पर सिर्फ एक ही बात बोली जाती है कि इतने करोड़ का फंड मैं लाया, उतने करोड़ का फंड लाया, अभी फंड आने वाला है, और शहर आज भी खंडर बना हुआ है। बारिश जब हुई मीडिया से लेकर पूरे शहर ने देखा कि जो तरक्की का नारा लगाए थे और जो ये बोलते कि हम बड़ा शहर को सजा दिए हैं, वो शहर आपके सामने है। एक काम ऐसा जो MLA की हैसियत का हो, वो मौजूदा MLA ने अगर किया हो तो आवाम के सामने आके बताए कि ये एक काम है जो MLA की हैसियत का काम है और मैं किया। ये तो ऐसा हो गया कि जो प्रशासन ने जो मंजूरी हमारे हिस्से में हॉस्पिटल की दी थी और वो हॉस्पिटल आज सिविल हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में ख्वातीन और बच्चे जाते हैं, क्योंकि वाड़िया हॉस्पिटल अली अकबर हॉस्पिटल आज उसका काम चल रहा है, एक ही हॉस्पिटल बचा है। और ये सिविल हॉस्पिटल में भी जो बच्चों का इलाज होता था, जो ख्वातीन का इलाज होता था, ये भी अब उस हिस्से में शिफ्ट हो जाने वाला है। लोगों को आने जाने की तकलीफ, वहाँ पर जो सियासी समाजी तौर पर मदद करने वाले लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं वैसी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बोला कि जिस वक्त बोर्ड वो सडाना हॉस्पिटल दिया गया वो बोर्ड को लात मार के तोड़ा गया था। ये फिरका परस्ती इस हद तक बनी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए इन सब बातों को लेकर 23 तारीख को पीर के दिन हम शिवाजी महाराज के मुजस्समे पर, जिनका नारा था शिवाजी महाराज का कि स्वराज्य सबके लिए बराबर है, और इस नारे के साथ कि स्वराज्य अगर सबके लिए बराबर है तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी जो शिवाजी महाराज को अपना कायद अपना लीडर मानते हैं वो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं। ये धरना दादा भुसे के भी खिलाफ़ है, ये धरना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल के भी खिलाफ़ है, ये धरना शेख आसिफ के भी खिलाफ़ है, ये धरना प्रशासक और प्रशासन के भी खिलाफ़ है जिन्होंने मुसलसल इस शहर के साथ नाइंसाफ़ी की। हमने निहाल साहब के वक्त से हम इस शहर के साथ हमेशा इंसाफ किए। हम ये भी मानते हैं कि उस वक्त जो हमारे मुखालिफ लीडरान निहाल साहब के हुआ करते थे वो ठीक है, वो मुखालिफ ज़रूर थे, मगर जब शहर का सवाल आता था तो वो एक ही सुर में सुर मिलाते थे जो मालेगांव शहर के लिए रहा करता था, मगर आज एक ही सुर में सुर मिला रहे हैं जो दादा भुसे मंत्री के सुर में सुर है, जो मालेगांव शहर की तरक्की के लिए नहीं है। ऐसे तमाम ही लीडरान के खिलाफ इंसाफ के लिए हम धरना देंगे ताकि लोगों में ये बात महसूस हो कि हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं बोला कि हम आज तक जो बात बोलते थे वो कान से लोग सुनते थे, मगर अब सारी बातें क्योंकि हमसे लोग मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि तब्दीली की ज़रूरत है,
जो सारी बातें तुम 2-3 साल से मुसलसल बोल रहे हो, अब हम वो आँख से देख रहे हैं। और कान से सुनी बात झुठलाई जा सकती है, आँख से देखी हुई बात को कभी कोई झुठला नहीं सकता। इसलिए आप आँख से देखो कि ये शहर 2 हिस्से में कैसे तकसीम हो गया, तरक्की कर रहा है, हमारा करोड़ों का बजट जा रहा है, हमारी मामूली मामूली बुनियादी सहूलियात जो गरीब आवाम के लिए है, यहाँ तक के इस शहर में अगर कोई बोलेगा कि मज़दूर कहाँ रहता है, वो बांध काम मज़दूर हो या कोई मज़दूर हो, तो बड़ी तादाद मज़दूरों की कुसुम्बा रोड और मालेगांव शहर के सेंट्रल के हिस्से में है। मगर जब मज़दूरों के लिए गवर्नमेंट ने सहूलियात का ऐलान की और उनको कुछ बर्तन भांडा देने की बात की, तो वो ऑफिस भी बना है हाईवे पर, जहाँ पर यहाँ के मुस्लिम बांध काम के मज़दूर अगर जाते हैं तो रात से नंबर लगाने के बाद भी उनका नंबर सुबह तक नहीं आता। एक लीडर ने, आज मौजूदा MLA ने एक मर्तबा ये नहीं बोला कि यार इस तरफ कोई मीटिंग लगा दी जाए या इस तरफ उसकी कोई ऑफिस बना दी जाए जहाँ से बांध काम का जो मज़दूर है। बोलने का मेरा मतलब ये है कि ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर ये सब बातें लोगों पर असर कर रही है, लोगों की जो ज़िंदगी है उस पर इसका ज़बरदस्त असर हो रहा है। इन सब के खिलाफ हम इंसाफ के लिए शिवाजी महाराज के मुजस्मे पर बैठने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे शकील खलीफा साहब बैठे हैं, जो नयापुरे के सनती मशहूर सनती घराने से वाबस्ता हैं, 3रा महाज से इनकी बीवी चुन के आई, शहर में इनका नाम है। हम एक इलेक्शनी कमेटी बना रहे हैं जो इलेक्शन भी लड़ेंगी मगर इस शहर के लिए इंसाफ भी मांगेंगी। आज हम उनको इलेक्शनी कमेटी में लेंगे और हम चाहते हैं कि शान हिंद इलेक्शनी कमेटी में शान हिंद समाजवादी की उम्मीदवार होने वाली है और कहीं ना कहीं मुमकिन है कि वो इंडिया अलायंस की उम्मीदवार हो। तो ऐसे हालात में शहरियान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जब शकील भाई जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नयापुरे की एक मशहूर शख्सियत, तो हमको ये बात महसूस हो रही है कि ये सब जो हो रहा है इसके खिलाफ़ ये शहर अपना जब वक्त आएगा तो एक बदलाव की लहर बनेगी और वो बदलाव जो है ये शहर देखेगा कि शहर बदलाव चाहता है और शहर एक ऐसी क़यादत चाहता है जो इस शहर की तरक्की के साथ साथ इस शहर को इंसाफ भी दे। हम पहले ही बोले कि हम उस हिस्से के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, मगर हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है ऐसी क़यादत की ज़रूरत है। 25 साल से जो मर्द लीडरान थे उन्होंने दादा भुसे के सामने जो बुजदिली का मुजाहरा किया, जो चापलूसी का मुजाहरा किया, मुझे और पार्टी को पूरी उम्मीद है कि एक खातून इस शहर की जब क़यादत करेंगी तो वो दादा भुसे के सामने चापलूसी नहीं करेंगी, दादा भुसे जैसे आदमी के सामने किसी तरीके से झुकेंगी नहीं, वो मालेगांव शहरियान के लिए डट कर खड़ी रहेंगी। इसलिए आज जो है मुसलसल इन लोगों की, हाँ मैरून आपा भी बैठी हैं हमारे, मुसलसल ख्वातीन में इनकी मीटिंग हो रही है और आज ख्वातीन का भी कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर इस नाइंसाफ़ी से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो वो इस शहर की ख्वातीन है, जिन्हें मुसलसल रिक्शा कर कर के नदी के उस पार जाना पड़ता है अपने मामूली मामूली काम के लिए। ये एहसास उन्हें हो रहा है और हमें उम्मीद है कि एक खातून जो है वही एक लड़की जो है वो इनके साथ इंसाफ करेंगी और डट कर इस शहर के लिए, इस शहर की आवाम के लिए खड़ी रहेंगी। ताकि मैं हाईकोर्ट जाऊँगा तो हम भी देख रहे हैं ना कि कौन क्या कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी थी, वो MLA है। अभी मैं बोलूँ KYC के ताल्लुक से, KYC बैंकों में जितनी बैंक है सब जगह ख्वातीन जा रही है। आप लोगों को भी फ़ोन आ रहा होगा, मुझे मालूम है, मुझे बोला भी जाता है कि हम मीडिया वाले को फ़ोन करें, वो इखलाक भाई को भी फ़ोन करें, हमारे ऐसे परेशानी है, ये है, पंखा बंद कर दे रहे बैंक वाले, AC बंद कर दे रहे बैंक वाले कि लोग जल्दी से भाग जाएँ। दादा भुसे मंत्री है, ऑफिशियल उनके पास एक ओहदा है, उन्होंने क्या किया कि अपने ऑफिस पर प्राण को बुलाया, बैंक के मैनेजर को बुलाया, एक ऑफिशियल मीटिंग ली और जगह पे 2 दिन में सबकी KYC करवा दिए। ये काम हम नहीं कर सकते, हम आज MLA नहीं है, जिसकी जो जिम्मेदारी है ये काम उसी का है, ऑफिशियल मीटिंग, दक्षता कमेटी। अरे जो आदमी दक्षता कमेटी और उसका अध्यक्ष नहीं बन पाया इस शहर में, आप देखेंगे कि पिछले सालों से नहीं, आसिफ शेख के टाइम भी आसिफ शेख दक्षता कमेटी का चेयरमैन नहीं था,
मुफ्ती साहब भी उसके चेयरमैन नहीं हैं। बोलने का मतलब ये है कि कुछ काम जो है ये तो जो ओहदा मिला है ये उसकी जिम्मेदारी है, उसके पास उसके पावर्स हैं, वो पावर्स है हमारे पास नहीं है। और मैं पहले ही बोला कि मैं मुसलसल 1-1.5 साल से मैं बदउनवानी और ये सब के खिलाफ जो लड़ाई लड़ता था वो नहीं लड़ रहा हूँ जानबूझ के। मैं भी देखना चाहता कि लोग जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, कितना करते हैं। ये सब तोड़ीबाज ये लोग हैं, ये हर चीज़ में तोड़ीबाजी करते हैं, हर चीज़ में बदउनवानी करते हैं। तो ये लोगों का वो काम था। हाँ, इलेक्शन के टाइम तो इनका करप्शन मैं निकालूंगा, मगर मैं अब सब चीज़ इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाला हूँ। बोलने का मतलब ये है कि जब ये सवाल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से होना चाहिए कि जब आपने हाईकोर्ट जाने की बात बोली थी तो आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, या उसके ताल्लुक से जो मुखालफत क्या किए और वो हॉस्पिटल वहाँ गया तो तुमने क्या उसके खिलाफ़ कार्रवाई की, ये उनकी जिम्मेदारी थी, हमारी नहीं। अभी देखो सिविल हॉस्पिटल की जो बात है, सिविल हॉस्पिटल में वो सहूलियात आज तक नहीं हुआ, वो सिर्फ बम ब्लास्ट के तुफैल में हमको मिल गया एक हॉस्पिटल। मगर आज जो वहाँ सहूलत जो मिलती थी वो भी चली जा रही है, उसके ताल्लुक से हम अब सिविल हॉस्पिटल के इंचार्ज जो हैं उनसे कल मुलाकात करके बात करेंगे कि क्या उनका काम काज किस तरह से करने वाले हैं, वहाँ जाने वाले हैं तो वहाँ किस तरीके से वहाँ काम होगा, या वहाँ शिफ्ट करना ज़रूरी है क्या। इतना बड़ा अगर हॉस्पिटल है तो इतने बड़े हॉस्पिटल में क्या सहूलियात वो देने वाले हैं, जो है वो भी अगर चली जाएंगी तो क्या वो सिविल हॉस्पिटल को खंडर बनाने के लिए सरकार ने यहाँ हॉस्पिटल बनाया है क्या, ये सवाल हम करेंगे उनसे।